आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माई एस एस बी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल टूडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पोपलेशन दैट इज़ हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर तो हाइपर टेंशन और जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कैसे ट्रीट कर सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं और किस टाइप की ड्रग्स यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन ऑफ द थिंग दैट फर्स्टली वी शुड नो दैट वाट इज़ ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या है ये एक प्रेशर है जो हार्ट पंप करने के बाद आपकी ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर जनरेट होता है तो इट मीन आपका ब्लड जो है इट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स सो दैट मीन इट जनरेट सम प्रेशर विच इज़ कॉल्ड एज ए ब्लड प्रेशर अब इसका एक लिमिट होता है जो हम 120 ट्वेंटी बाई एटी एम एम कहते हैं 120 ट्वेंटी इज सिस्टोलिक एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक तो जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे सिस्टोल आता है अपर बीपी आता है जब ये रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे लोअर बीपी आता है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं तो इसके बारे में बहुत से ऐसे मिथ हैं कि अगर आपका बी पी है और 80-85 है तो आपको प्री हाइपरटेंशन है जहाँ आपका बीपी कुछ टाइम के लिए 140 रहता है जहाँ 145 हो जाता है फॉर टू टू थ्री डेज तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है जहाँ हाइपर है तो ऐसा नहीं है अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इट इज़ नॉट ए एनी डिजीज़ इट इज़ नॉट ए एनी क्रोनिक प्रॉब्लम इट इज़ ए लाइफ स्टाइल मॉडिफाइंग डिजीज़ सो या आपकी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन के साथ इसको आप कम कर सकते हैं सो so, अगर आप देखें तो ओल्ड टाइम का अगर डाटा देखें यस्ट 20 ईयर 30 ईयरस बैक तो देर इज़ ए वेरी लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच वाज सफरिंग फ्रॉम दी हाइपरटेंशन अगर आप देखें तो उसका जो डाटा है दैट इज़ बिलो देन फाइव टू सेवन परसेंट तो आज की डेट में अगर आप देखें इन केस ऑफ अडल्ट मेल एंड फीमेल मोर देन एटीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन दे हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड अमंग दैम अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्राम दाइपर टेंशन एंड दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस हाइपर टेंशन वो कुछ ऐसी ड्रग्स भी लेते हैं जो कि बी पी को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर है उसका सस्टेंड बढ़ना ऐटलीस्ट फॉर वन टू थ्री मंथ इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं अगर वो आपकी लाइफ में कंटिन्यूस उस फेज पे रहता है सपोज अगर आप देखें तो देर आर सम गाइडलाइंस और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और जो थर्ड रहता है आपका ज्वाइंट नेशनल कमेटी ये कुछ गाइडलाइंस देती हैं उस गाइडलाइंस में अगर आपका बी पी वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी फाइव और एटी टू एटी फाइव रहता है दिस इज़ कॉल्ड एज ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर ये आपका ब्लड प्रेशर 130 टू 140 रहता है और नीचे वाला जो है 80 टू 90 रहता है तो इसको हम कहते हैं कि यू आर प्री हाइपरटेंसिव आप एक फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन में एंटर करने जा रहे हैं अगर आपका बीपी 140 से अबव रहता है दैट मीन यू आर हाइपरटेंसिव बट एट दैट टाइम यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल यू कैन डू सम एक्सरसाइज यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस यू कैन रिड्यूस योर बॉडी वेट उस केस में आप इतने जो ब्लड प्रेशर का रेंज है उसको आप कम कर सकते हैं जैसे कि आपका बीपी 140 टू 145 और जो नीचे वाला है 80 टू 90 एम एम रहता है तो अगर आपका बीपी मोर देन 160 और मोर देन 170 सेवेंटी रहता है तो दिस इज़ एमरजेंसी कंडीशन दिस नीड टू बी चेकअप फ्रॉम द डॉक्टर साइड ये आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें इमीजिएट चेकअप करें और उसका क्या कॉज है आज मैं ये भी डिस्कस करता हूँ कि किस टाइप के आप डायग्नोसिस कौन से टेस्ट करवाने चाहिए आपको कि आप जज कर पाएँ कि इज़ देर एनी रिस्क फैक्टर क्यों क्योंकि जब आपका बीपी बढ़ता है जिसको हम हाइपरटेंशन या हाई, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं उस केस में बहुत से रिस्क पैदा हो जाते हैं जो फर्स्ट रिस्क रहता है बिकॉज दिस इज़ ए साइलेंट प्रॉब्लम जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ ए साइलेंट किलर ये अंदर से आपको साइलेंटली किल करता है तो जो फर्स्ट रिस्क रहता है दैट इज हार्ट अटैक अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक एसोसिएटेड विद हाई ब्लड प्रेशर आर टू द दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग डायबिटीज अलोंग विद सम हार्ट प्रॉब्लम एंड हाई ब्लड प्रेशर दूसरा रहता है स्ट्रोक और थर्ड आपका आ जाता है समटाइम हार्ट फेलियर बिकॉज इफ योर हार्ट विल कंटिन्यूसली वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बीट मोर देन नॉर्मल लिमिट पर मीन मिनट और आवर्स और लाइक दैट तो उसमें ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो बढ़ता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से आपको क्या रहता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं सो so, उसके बाद अगर आप मेजर रिस्क फैक्टर देखें द मेजर रिस्क फैक्टर इज किडनी दैट इज़ आइदर अक्यूट किडनी इंजरी फॉलोड बाय किडनी प्रॉब्लम और ए किडनी फेलियर ये बहुत से रिस्क फैक्टर रहते हैं तो इन रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको अपना जो ओवर वेट है उसको कम करना चाहिए अगर आप रीसेंट जे एन सी गाइडलाइन देखें तो उन्होंने ये कहा है कि इंडियन पॉपुलेशन को जो सॉल्ट इनटेक है जो नमक खाते हैं आप लोग वो ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एम जी और 2400 फ़ोर हंड्रेड एम जी ग्राम और 2.4 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं लेना चाहिए दैट इज़ द रिसेंट गाइडलाइन ऑफ जे एन सी एज़ वेल एज गाइडलाइन ऑफ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो अमेरिकन कंट्रीज़ वाले में जो लोग हैं दोज आर रिजाइडिंग इन द अमेरिकन कंट्रीज दे शुड टेक नॉट मोर देन 2.5 ग्राम और इंडियन शुड नॉट टेक मोर देन 2.3 ग्राम दैट इज़ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तो हमें इतना सॉल्ट इनटेक करना चाहिए ऐसे ही अगर आप बॉडी वेट कम करना चाहेंगे तो फर्स्टली यू शुड अवॉइड टू टेक ए शुगर और शुगर रिच प्रोडक्ट्स जिसमें कि शुगर का क्वांटिटी ज्यादा रहता है एक इंसान को 35 फाइव टू फोर्टी ग्राम शुगर जो है इफ़ ही इज डूइंग लिटिल बिट एक्सरसाइज तो नॉर्मली ही कैन डाइजेस्ट बट इस केस में अगर आपका बी जो है वो बढ़ जाता है बिकॉज़ बी एम आई इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल योर बॉडी वेट एंड टू कंट्रोल दी हाई ब्लड प्रेशर्स एक नॉर्मल इंसान का जो बी एम आई है दैट शुड बी एटीन टू ट्वेंटी फाइव अगर आपका एटीन से कम है दैट मीन आप मल न्यूट्रिशन है जहाँ आपको बॉडी में वीकनेस है अगर आपका ट्वेंटी फाइव से अबव है यू आर इन द कैटेगरी ऑफ ओबीज पॉपुलेशन ओबेस्टी तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए पहली चीज कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए जो हमारा फास्ट फूड इनटेक है जहाँ हम बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स और चिप्स खाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज चिप्स कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नमक बहुत ज़्यादा होता है उसमें दूसरा अगर बोलें तो आपको वेट कम करना चाहिए थर्ड आपको जो है एज एसोसिएटेड जो बॉडी में चेंजेस करनी चाहिए अगर एज बढ़ रहा है तो फैट इनटेक या कोई देसी घी ले रहे हैं आप तो उसकी जगह पे आपको जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ऑयल यूज़ करना चाहिए उसके बाद आ जाता है कैफीन इंटेक कॉफ़ी इंटेक उसको भी कम करना चाहिए अल्कोहल इनटेक को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है बट इफ़ यू आर रेगुलर यू आर टेकिंग अल्कोल तो दैट शुड नॉट बी मोर देन थर्टी टू फोर्टी एम एल पर डे उसके बाद आ जाता है आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बीन्स को नट्स को और साथ ही साथ स्मोकिंग को अवॉइड करें ये कुछ डाइट प्लान रहते हैं जो आप फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा अब ये रहता है कि अगर आपको किस टाइप के सिम्टम आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका बी पी बड़ा हुआ है कुछ पेशेंट्स में ऐसे दिखाई देता है कि उनका जो सिर है वो हैवी रहता है और उनको लगता है मेरा सिर फट रहा है तो ये हैड टाइप की प्रॉब्लम रहती है वो भी एक सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का जो दूसरा रहता है दैट इज ए चेस्ट पेन समाइम यू यू विल बी हैविंग ए चेस्ट पेन एंड समाइम द चेस्ट पेन कैन बी प्रोग्रेस टू लेफ्ट आर्म और टू द लोअर लेग साइड वो भी आपको एक साइन एंड सिम्टम देता है कि आपका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है समटाइम इन सम पेशेंट्स देर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग उनको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम रहता है और इन सम ऑफ द पेशेंट देर इज ए ब्लड विजन कई लोगों का बीपी बढ़ने से उनको आंखों से धुंधला दिखाई देता है तो बिकॉज अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है लाइक हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम लंग्स प्रॉब्लम ब्रेन प्रॉब्लम अगर वो ब्रेन को इफेक्ट करता है तो आपको डिमेंशिया भी हो सकता है दिस इज कॉल्ड एज ए वेस्कुलर डिमेंशिया तो कई लोग ऐसे अल्ज़ाइमर से भी सफर करते हैं और जो नेक्स्ट रहता है दैट इज मेंटल कन्फ्यूजन एंड सम टाइम इन पेशेंट्स लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग अब क्वेश्चन ये रहता है कि किस टाइप के आपको लेबॉर्टरी टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए तो इफ़ इट मीन योर ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर इज़ अफेक्टिंग मल्टी ऑर्गन एज वेल एज योर ब्लड तो पहली चीज़ आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं जिसमें कि आप अपना टोटल लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रोल ये सारा चेक करवाएं उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है टेस्ट के केस में कि अगर आपको हार्ट में पेन रहता है जहाँ ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट में जो है दैट इज़ लिटिल बिट यू नो प्रॉब्लम और हैवीनेस ऑफ द चेस्ट उस केस में आप ईसीजी भी करवा सकते हैं उसके बाद आप रेनिन टेस्ट करवा सकते हैं कि व्हाट इज द रेनिन रिलीज रेट एंड देन यू कैन डू एल्डोस्टीरोन टेस्ट आपको उसमें एल्डोस्टीरोन का भी पता चल जाएगा एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट रहते हैं देन इफ यू आर हैविंग अदर कंडीशंस लाइक डायबिटीज और सम अदर प्रॉब्लम्स तो उस केस में आप अपना ग्लूकोस लेवल भी चेक करवाएँ सो इट शुड बी ऑन द रेगुलर बेसिस और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये हाई है और हाई ब्लड प्रेशर आपके कुछ ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है अब ये रहता है मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आप अपना वेट कम करें पहली चीज़ अगर वेट ज़्यादा है और यू कैन डू रिड्यूस योर बीएमआई अगर आपका बीएमआई 25 से अबव है उसको आप कैलकुलेट कर लें हाइट वर्स मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट कितना रहता है उसको आप कैलकुलेट करके इजीली आप अपना जो बीएमआई है दैट मस्ट रिटेन नियरली 22, 23 और लाइकली 23.5 उसको आप जरूर मेंटेन करें जो सॉल्ट इनटेक मैंने बता दिया आपको एज़ पर डब्ल्यू एच ओ जे गाइडलाइन 2.3, 2.4 ग्राम से पर डे ज़्यादा सॉल्ट ना लें शुगर इनटेक 40 ग्राम पर डे से ज़्यादा ना करें उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है एज पर गाइडलाइंस यू शुड परफॉर्म सम एक्सरसाइज अगर आप विग्रस एक्सरसाइज करना करते हैं तो यू शुड डू सेवेंटी टू एटी मिनट पर वीक विग्रस मतलब बहुत फास्ट और बहुत हाई स्पीड पे कुछ रनिंग करना या वॉकिंग करना या साइकिलिंग करना या स्विमिंग करना ऐसी विग्रस करते हैं बहुत फास्ट करते हैं तो एट लीस्ट टेन मिनट्स पर डे अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं दैट शुड बी 15 टू 25 मिनट्स पर डे ये एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में ज़रूर परफॉर्म करें उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है डैश डाइट दैट इज यू शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड यू शुड हैविंग सम डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप दी हाइपर आप अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहें क्या स्टॉप करना चाहें जो फैटी एसड्स हैं या फैट है उसको आप अवॉइड करें जितने आप विटामस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शैलेड्स फाइबर ले सकते हैं वो ज्यादा से ज़्यादा आप लें उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उसके बाद रहता है मेडिसिन अगर हम गाइडलाइंस देखें तो एज पर गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यू एच ओ एज वेल एज जे एन सी रिसेंट गाइडलाइंस सो तो एज इनिबिटर्स दैट आर दी एनजियोटेंस कन्वर्टिंग एनजाइम इनहिबिटर्स दे आर प्रेफरेबल ड्रग्स उसके बाद जो आप लोगों का आ जाता है एनजोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये यूज़ किए जाते हैं उसके बाद अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है देन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब डायरेटिक्स लाइक फ्रूसीमाइड टोरासीमाइड और इन केस ऑफ एज कैप्ट्रोप्रिल एनेलाप्रिल ऐसे दिए जाते हैं और उसके बाद जो फोर्थ थर्ड क्लास पे आ जाता है दैट आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपाइन फिलोडिपाइन निफोडिपाइन ये ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकरस हैं बट कोई भी अगर आप ड्रग लें तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर डॉक्टर की राय के बिना आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना लें बिकॉज हाइपर टेंशन इज ए कम्प्लैक्स प्रॉब्लम इसमें कई तरह की आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं उसके बाद जो हमारे रहते हैं दैट आर द बीटा ब्लॉकर सो एज पर डब्ल्यू एच ओ एंड जे एन सी बीटा वन स्पेसिफिक ब्लॉकर्स आर यूजफुल फॉर दस्थमैटिक पेशेंट्स सी ओ पी डी पेशेंट्स लाइक दैट उसके बाद अल्फा ब्लॉकर आ जाते हैं सेंट्रल ब्लॉकर आ जाते हैं सो सच टाइप ऑफ द ड्रग्स दैट आर वेरी कॉमनली प्रेफर्ड उसके बाद जो लास्ट थेरेपी रहता है वो रहता है आपका मेडिटेशन और योगा मेडिटेशन आप जरूर करें सो मेडिटेशन मीन यू कैन विजिट सम होली प्लेसेस धार्मिक प्लेसेस पे विजिट करें लाइकली इन सम टेंपल सम मस्जिद वेयर यू वांट टू गो तो ऐसा एक स्टडी में रिपोर्ट किया गया था कुछ टाइम दो तीन साल पहले कि फॉर थर्टी टू फोर्टी डेज़ कुछ जो लोग थे वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर विजिट किया उन्होंने सो थर्टी टू फोर्टी डेज़ वैन देवर एंट्रिंग इन द गोल्डन टेम्पल उस टाइम पे उनका बीपी चेक किया जाता था और जब वो एक डेढ़ घंटे के बाद बाहर आते थे उनका बीपी चेक किया गया और आफ्टर थर्टी टू फोर्टी डेज़ ये देखा गया कि उनका जो बीपी था फ्रॉम टेन टू ट्वेल्व एम एम एच ई वो रिड्यूज़ हुआ था सो मेडिटेशन इज़ ए वेरी गुड थेरेपी सो दिस टाइप ऑफ द वीडियो यू कैन लाइक यू कैन शेयर यू सब्सक्राइब एस एस बी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल यू आर वेलकम थैंक यू वेरी मच